ज्ञानी महापुरुषों के पास जाए, तत्वदर्शी के पास जो सोत्रे ब्रह्मनिष्ठ, और वहां जाए तो कैसे जाए, विधि तद विधि, विधि का पालन करें। जाति आप ऐसा नहीं कि महाराज मैं आपके पास में ज्ञान के लिए आया, मुझे ज्ञान दो, ऐसा नहीं है। आप जाइए, आप प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए। दंडवत प्रणाम का मतलब अपनी शनाक्ति, अपना समर्पण, आप श्रद्धा आस्था वहां पर प्रकट कीजिए। और वो एक दिन में नहीं होती, उसमें समय लगता है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने में, भाव बनने में समय लगता है। आप प्रणाम कीजिए, शनागत धारण कीजिए, और फिर बाद में आपको जो सेवा सौंपे, जब आपने समर्पित हो गए, आपको जो नित्यनेम बताए, उस आप नित्यनेम को आत्मसात कीजिए। सेवा या वो सेवा है यहाँ पर, ठीक है, दूसरी सेवा तो गौण है। आपको जो कह दे भी, आप सुबह प्रातः काल उठिए, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होइए, आप जप कीजिए, भजन कीजिए, संध्या वंदन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, परमात्मा की, भगवान की स्तुति कीजिए, शास्त्रों का श्रवण कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, आप एकाग्रचित होकर के श्रवण कीजिए। श्रवण करना भी एक सेवा है, आप कितना ध्यान लगा करके सुन रहे हैं, सेवा या आप। और जब अच्छी तरह से आप सेवा करेंगे और आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के ये परिप्रश्न न, जब आप सेवा से प्रसन्न हो जाएं, तब आप वहां पर प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा रखें, मूलभूत प्रश्न पूछिए, वो अस्मि, मैं कौन हूं, मेरा किसलिए इस जगत में, इस जीव का मनुष्य रूप में जन्म हुआ, मनुष्य जीव की पूर्णता किसमें है, इनकी मान बड़े किसमें है, इनकी भलाई किसमें है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन और दूसरी योनियों में जो जो कर्म जीव करता है, वही यदि कर्म करे तो फिर मनुष्य योनि में और दूसरी योनि में क्या फर्क है, तो मनुष्य जीवन की क्या विशेषता है, और वहां पर सीधा यही हो, उसमें मैं कौन, मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप के कल्याण के लिए, अपने आप के उद्धार के लिए। जीव किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, जीव और ईश्वर एक ही है या अलग अलग है, और एक ही है तो कैसे है, ये जो प्रश्न है वहां आप फिर प्रश्न करें। और आप केवल प्रश्न करने का अधिकार है, वो फिर आपके, जब आप अच्छी तरह से प्रश्न करेंगे तो उपदेशन्ति ते ज्ञान, वे तेरे को ज्ञान प्रदान करेंगे, वे ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञानी न कौन, ज्ञानी न तत्वदर्शन, जो तत्व को जानने वाले, ज्ञानवान। कोई कोई यथार्थ ज्ञान जानते भाई सब नहीं जानते, जो तत्व ज्ञानी है उस तत्व ज्ञानी को, आप उनसे प्रश्न कर। कल लिखा था कि धन धनवानों से मिलता है, नहीं कि भिखारी से, इसी तरह से ज्ञान ज्ञानी से मिलेगा, नहीं कि भिखारी से। अब तत्व ज्ञान है तो तत्व के आपको मोक्ष प्राप्त करना चाहते, ज्ञान प्राप्त करना चाहते, तत्व ज्ञानी महापुरुष के पास जो सूत्र ब्रह्मनिष्ठ है, शास्त्रों के आधार पर आपको ज्ञान करा सकते। इनके बाद में ऐसा होगा, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यासि पांडव येन भूतानि अशेषेण रक्षसि आत्मनियतो मयि। ज्ञान लेना, भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, जब भी तत्व ज्ञानी महापुरुष ये अर्जुन तेरे को जब ज्ञान देंगे ना, वो तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, उस ज्ञान को तुम प्राप्त करके
हे अर्जुन तुम मोह को प्राप्त नहीं होगा। यत ज्ञातवान न पुनर्मोहम एवं यशसि पांडव। भगवान कृष्ण कहते हैं यत ज्ञातवान न पुनर्मोहम। हे अर्जुन जब वे आचार्य क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञानी जब तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे, ज्ञान है ना, वे उपदेश देंगे तो उस उपदेश को पाकर के, उस ज्ञान को पाकर के हे अर्जुन तो फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। यद ज्ञातवान न पुनर्मोहम, तुम वापस मोह के अंदर नहीं पड़ेगा। एवं यशसि पांडव, हे अर्जुन तो इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा जैसे कि अभी जो तुम मोह को प्राप्त है, इस समय तू जो मोह में ग्रसित है, इस तरह से मोह में तू वापस प्राप्त नहीं होगा। ये न भूतानी अशस्य न दक्षस्य आत्मन्यतो मे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तुम सभी भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे उन सच्चिदानंद परमात्मा में देखी, येन भूतानि अशेषेण दृश्यसि आत्मनि यथोमयि। हे अर्जुन उन सभी भूतों को, जितने भी जो भूत प्राणी हैं, इन सब भूत प्राणियों को तुम अपने में अपनी निशेष रूप से अपने में देखी कि मेरे अंदर जो आत्मा है, सभी प्राणियों के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा मेरे अंदर है। इस तरह से है अर्जुन तेरे अंदर ये पहली दृष्टि है, पहले ये तेरे को ये न भूतानि अशेषे, निश्चित रूप से जितने भी जो भूत प्राणी उन सभी भूतों के अंदर जो आत्मा है, चेतना है, वही चेतना वही आत्मा मेरे अंदर है, वो तू अपने अंदर है। और फिर पीछे वो सब के सब भगवान कृष्ण कहते हैं अथोमयी। अथोमयी का मतलब हे अर्जुन मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। बहुत सुंदर बात है भाई, भगवान कृष्ण यहाँ पर ज्ञान की बड़ी सुंदर कि जब वे तत्व ज्ञानी महापुरुष वे तेरे को जो तत्व का बोध करेंगे, उपदेश देंगे और उस उपदेश से तू ज्ञान को पा करके हे अर्जुन वापस तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। एवं यशसी जिस तरह से इस समय तो वर्तमान में जो मोह को ग्रसित है, इस तरह से तुम मोह को प्राप्त नहीं। और जिस ज्ञान के द्वारा तू सभी संपूर्णता से सब भूतों को माने ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत, माने ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत तक सभी प्राणियों को ये सब भूत मुझ में स्थित है, माने ये सब भूत मेरे में स्थित है, इस प्रकार साक्षात अंतरात्मा रूप से तू देखे कि जो सभी भूत प्राणियों के अंदर जो आत्मा है, ईश्वर है, वो सब वो आत्मा मेरे अंदर है और मेरे अंदर है वो सभी के अंदर है। इस तरह से सब के अंदर एक ही तत्व को तू देखेगा और ये संपूर्ण जगत उस वासुदेव भगवान कृष्ण कहते अथोमयी, मैं माने मुझे वासुदेव के अंदर संपूर्ण जगत को तू देखेगा, सभी भूत प्राणी तू बन सभी, ध्यान देना सभी उपनिषदों में जो जीव आत्मा और ईश्वर की एकता जो प्रसिद्ध है उसका प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ध्यान देना जो उपनिषदों के अंदर वेदांत का जो अंतिम भाग है उन उपनिषदों के अंदर जीव आत्मा और परमात्मा, जीव आत्मा और ईश्वर दोनों एक ही है और इसी एक तत्व का वहां पर एकता का प्रतिपादन किया गया है। वो तेरे को यहां पर अतोमयी ये संपूर्ण जगत मुझ वासुदेव में, कोई भेद तेरे यहां पर रहेगा, जिनको जान लेने के बाद में कोई मोह उत्पन्न नहीं होगा। जिस तरह से अपने अभी तेरे अंदर जो मोह है मोह और फिर बाद में उसका क्या है, ये न भूतानि अशेषे न दृश्यसि आत्मनि, तुम अपनी आत्मा में सभी भूत प्राणियों को देखेगा, मतलब सभी भूत प्राणी में जो ईश्वर है आत्मा है वही आत्मा मेरे अंदर है और मेरे अंदर है वही सभी प्राणी।
प्राणियों के अंदर है। इस तरह से ये संपूर्ण जगत वासुदेव परमात्मा में स्थिर है। जैसे ध्यान देना, जल है, समुद्र है, सरोवर है, उनमें नाना प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, मोटी छोटी सब। तो वे सारी तरंगे, वे सारे लहरें, छोटी मोटी मंदली पतली लंबी चौड़ी, सब वो लहरें किसमें हैं? पानी के। और पानी से ही उत्पन्न हुई, पानी के अंदर स्थिर है और वापस पानी के अंदर ही मिल जाती है। पानी के अलावा कुछ वहां पर लहरों के अंदर नहीं। हाँ, आकृति अलग अलग हो सकती है, लंबी चौड़ी पतली हो सकती है, परंतु वे सब लहरें, वे सब तरंगे, मैंने ध्यान देना, पानी ही है, पानी के अलावा और कुछ नहीं। इस तरह से यहाँ पर कहा, ये भूतानि अस्य नदृशसि, सभी भूत प्राणी उसी एकमात्र आत्मा के अंदर स्थित। ये वासुदेव सर्व संपूर्ण जगत वासुदेव, इस तरह से यहाँ पर इनके बाद में। तो इस ज्ञान का माध्यम क्या है? जब सभी जगह एक ही तत्व का दर्शन होगा तो उस ज्ञान का क्या महत्व होगा? ज्ञान भगवान कृष्ण कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं कृतम् सर्वं ज्ञानफलने फलवेनेव वर्जिनं संतरिष्यसि। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब सभी जगत तो एक ही तत्व को देखेगा, एक ही तत्व तेरे दृष्टि में होगा, तो वहां पर अपि चेद असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं। हे अर्जुन, तू अने सभी पापियों से, जितने भी पापी है उन सभी पापियों में तो यदि अपने आप को सबसे अधिक पापी मानता है, अपि चेद असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं, जितने भी जो जगत में पापी है और उन पापियों में सबसे अधिक तो यदि अपने आप को पापी मानता है, समझता है, तो हे अर्जुन, तेरे को कह रहा हूं, सर्वम ज्ञान अप ज्ञान पलवेना एवं वर्तिन समय। हे अर्जुन, तो इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह रूप से सभी पाप समुदाय से तो अच्छी तरह से तीर जाए। ध्यान देना मैंने, ज्ञान से बढ़कर के और कोई जीव का उद्धार करने वाला नहीं। इसलिए यहां पर कहा, सर्वम ज्ञान पलवेव वर्तिन समय। ज्ञान ये कहता है सारे दुखों की जड़ जो है अज्ञान, उस अज्ञान को नष्ट कर सकता है। एक बात ध्यान देना, कमरे में अंधेरे है, उस अंधेरे का नाश कैसे होगा? दीपक लगाने पर होगा कि नहीं? के वहां पर कोई गैती पावड़ा लेकर के कि नहीं हो तो हटे अंधेरों घनो रेड़ो जो कुंडा बरबर ने तिगड़ा बरबर बारे नौक, तो बारे नौकने से वो जाएगा कि? बल्कि और गहरा अंधेरा होता जाएगा। वहां पर गैती पावड़े से खोद करके कुंडा भरभर के बाहर डालने पर वो अंधेरा जाने वाला नहीं। यदि कमरे में अंधकार है, अंधेरा है, उस अंधेरे को, अंधकार को हटाना है तो केवल एक ही युक्ति, एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है कि वहां पर अपन दीपक लगा दे। दीपक, जो दीपक लगाया, अंधकार सुमंतर, अंधकार नाम निशान माने रहे, अंधकार की गंध तक नहीं रहे, कोई निशानी नहीं। दूसरा कितना भी तरीका करेंगे तो कमरे में से अंधकार कभी जाने वाला नहीं है। भाई, अंधकार को नष्ट करना तो केवल दीपक लगाना पड़ेगा, प्रकाश करना, उजाला करना। इसी तरह से यहां पर जीव जो दुख पा रहा है, शोक मोह के अंदर ग्रसित है, इस शोक मोह रूपी, जो शोक मोह को उत्पन्न करने वाला और शोक मोह से ग्रसित जो अज्ञान है, इन अज्ञान से शोक मोह उत्पन्न हुआ है, सारी जो प्रेशर, उस अज्ञान की निवृत्ति, उन अविद्या की निवृत्ति अपन को केवल ध्यान से होगी। जो अंधकार का नाश केवल प्रकाश से होता है, इसी तरह से अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से ही होगी। दूसरा कितना भी कोई साधन करे, उसे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी।
और सारे दुखों की जड़ क्या है? हमारे दुख की जड़ अज्ञान है। अज्ञान, अज्ञान मतलब अविद्या। हमें अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, जबकि हमारे आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद रूप है। नहीं ज्ञान रहने के कारण शरीर के अंदर हमने अहंकार कर दिया, हमने मान लिया ये शरीर मैं हूं, ना समझ के कारण, जबकि हम शरीर नहीं है और हमने शरीर को अपना मान लिया। और जिस शरीर को हमने अपना समझा तो शरीर का धर्म भी मिरे है। मानो शरीर काला है, पीड़ा है, शरीर गोरा है, तो क्या मैं गोरो गटू? शरीर यदि थोड़ो होमड़ो है तो सांवला कलर होता, श्याम कलर का है, श्याम कलर, मेरा रंग श्याम। शरीर के धर्म को अपना धर्म, मैं मनुष्य का शरीर कह रहा, मैं मिनक हूं, नारी का है तो क्या मैं नारी हूं? शरीर की अवस्था यदि बालक बना है तो क्या मैं तो बालक हूं? जवान है तो क्या मैं गण को नहीं कि तो मैं अटोकड़ो थाना कर दू थाना, और यदि बुढ़ है अरे मैं तो मैं बुढ़ हूं। मैंने शरीर की अवस्था को लेकर के वो चोला अपने बैठता है, ये शरीर की अवस्था है, पर तो शरीर की अवस्था को मैं हूं ये मैं का चोला एक के बाद एक पहन लेता है, इतना आवरण उनके ऊपर आ जाता है, मूल उनका छुप जाता है। बस ये अज्ञान, अज्ञान से ये अविद्या से व्यक्ति के अंदर ये शरीर को मेरा समझता है और शरीर को मैं समझते ही शरीर का धर्म अपना मान लेता है। फिर बाद में शरीर का संबंध जो है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये बहन है, ये अमुक है, अमुक वो है, ये शरीर के धर्म संबंध को भी अपना संबंध, ये मैं और मेरा यहाँ पर पैदा हुआ, और जब मैं और मेरा पैदा हुआ तो सारी समस्या को जड़ यहाँ पर दी, अहंकार और अहंकार से उत्पन्न मैं और मेरा। और जब उसको वास्तविक पता चल जाता कि मैं इन सब से अलग, मैं मतलब आत्मा जो नित्य हृदय के अंदर स्फुरित हो रही है, अम अश्मि सदावामी, मैं हूं करके निरंतर जो प्रकाशित हो रही है, वो चेतना, वो तो चेत, वो सत्य है, वो प्रकाश स्वरूप है, अरे वो आनंद रूप है। बहने भाइयों ध्यान देना, वो चेतना शरीर में है, जब शरीर भी चेतन बांधता है, अरे जड़ भी जिनका आश्रय लेकर के चेतन की तरह, चेतन है ना, एक पंक्ति चेतन दिखता है, जिन चेतन आत्मा वो नित्य सत्य चेतन, वो सत्य है, वो चेतन स्वरूप है, वो आत्मा शरीर की बाल अवस्था थी तभी है, युवा अवस्था है तभी है, और बुढ़ापो है तभी वो वो चेतना है। तो ये चेतना आत्मा सत्य है, बाकी सब अवस्थाएं निरंतर बदलती है। और दूसरी बात, जब अटे मन इंद्रियां शरीर कौन करतो करतो थक जाए, अब देखना ध्यान देना, वो आने शुरू होने से पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट, जब हम काम करते करते थक जाते तो कहां जाकर के विश्राम करते, गहरी प्रगाढ़ निंद्रा अवस्था, जिनको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था, जो गहरी प्रगाढ़ निंद्रा अवस्था है, जिनको अपन कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था में नहीं तो कोई संसार का कोई विषय रहता, शब्द रूप रस गंध स्पर्श कोई विषय नहीं रहता, नहीं यहां तक ये शरीर भी नहीं रहता, मन बुद्धि इंद्रिया कुछ नहीं रहती, केवल वहां पर चेतन आत्मा रहती जो आनंद स्वरूप, वहां पर इंद्रियां मन अपनी सारी थकान मिटा करके, सारी थकान मिटा करके नई चेतना, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नए जोश, नई उमंग लेकर के फिर वापस काम करते शरीर मन इंद्रियां।
तो ये आत्मा आनंद स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है आनंद, और वो नित्य है, वो नित्य शुद्ध है, पवित्र है, उनके जैसा शुद्ध पवित्र कोई नहीं है, नित्य शुद्ध बुद्ध है, वो ज्ञान स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध वो चेतनात्मा और कोई नहीं। जब हम ये जो इसका ज्ञान नहीं होने के कारण उसको खोजते प्रकृति और विद्या से फिर संसार की वस्तुओं की कामना, और संसार की वस्तु नहीं मिलती तो फिर वहां क्रोध आ जाता है। तो ये सारे तो इस अविद्या का जो है, अविद्या का नाश केवल विद्या से होगा, अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से। ज्ञान देना पे भाई उस ज्ञान को प्राप्त होने पर उससे बढ़कर को और कोई पवित्र करने वाला नहीं। अपनी मानो कोई ना समझ के कारण कोई भ्रम पैदा रहेगी, ना समझ में कई भ्रम पैदा रहता है, और वो भ्रम वहां पर दुखदायी होता है। वो भ्रम क्या होता है? दुखदायी होता है, वो बड़ा तकलीफ करता है। जो आपको बताया ना एक दृष्टा कि अंधेरा होता है, अंधेरा में उठे पड़ी तो घनी रस्सी, कोई बंधु ना पड़ी हो पर तो अपन खबर पड़ी ना पड़ी अंदर, और वहां पर अपन खबर नहीं और देख करके डर गए, अरे हाँ पे, जबकि वहां सर्प नहीं है, वहां पर रस्सी पड़ी है, रजू पड़ा है, रस्सी का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, और अज्ञान होने के कारण वहां पर हमने अंधेरे में उस रस्सी को हमने सांप मान लिया, और वहां पर शरीर में कंपन पैदा हो गया, पसीना आ गया, घबराहट हो गई, पर दूर करके वहां से भगे हाथ पांव में लगे। अब ये ध्यान देना, जब वापस जाकर के प्रकाश लेकर के आए, लाइट लेकर के आए, तो मुझे सोनो करने देखो तो उठकर हाथ, अब हाथ तो नहीं है, परंतु जो गलत धारणा बनी अज्ञान से, वो जो अब मां तो खुद वो तो पट्टे करावनी पड़ी, हमें घटे जो पसीनो हो गयो शरीर में, रूंगता पाते एकदम घबराहट हो गया, तो वे तो पाते भाई नीचे बैठ कर छोड़ के अपना जो डिब्बो छोड़ गया, जिन्हें क्या हुआ पड़े हे भाई हाँ भाई, वो एकदम डिब्बो छोड़ गया, घोड़ो छोड़ गया भाई मुड़े, हाँ घोड़ो छोड़ गया, अब मैं उन घोड़ा ना तो बातें ठिकाने जाओ तो थोड़ा टाइम लगा दिया तो इसलिए ध्यान देना, अज्ञान जो है उस अज्ञान के नाश होने पर सर्वम ज्ञान पलमेव वर्धितम संप्रति ज्ञान ना अपि चेदपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यः। हे अर्जुन, तू यदि पापी से भी बड़ा पापी है, अपने आप को महापापी समझता है कि मारे जी तो कोई पापी है कोई जगत, तो भी महापापी भी है यदि वो ज्ञान का आश्रय ले लेता है, तो इस ज्ञान से पापी से उनके सारे पाप यहां पर खत्म हो जाते हैं। इस ज्ञान की नौका से भी पापी अपने पाप से तीर जाते हैं। इससे बढ़कर के और कोई दर है? भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर बताया एक बात, ध्यान वाल्मीकि ऋषि थे ना, वाल्मीकि ऋषि क्या थे? चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, राहगीरों को लूटते थे, नारद जी महाराज जी भेंट हो गई, नारद जी ने कहा, नारद जी ने पकड़े बोले भाई चोर है डाकू है उठे शादी कोई संत कोई पूछे नहीं, बस उनको सताना, लोगों को तकलीफ देना, उनका माल हड़पना। नारद जी ने कहा भाई क्या, नहीं नहीं बाबा तेरे पास में क्या है जोड़े में सब बाहर निकाल, अरे भाई हमारे पास में क्या जोड़े में, जोड़े के अंदर साधु के पास में लंगोट के अलावा क्या मिलेगा, कोपिन के अलावा और कोई मिलेगी ऐसा वहां पर, कहना ही नहीं। तो वहां पर देखा कि भाई ये मूर्ख है, इनके साथ में विवाद करने से, नारद जी ने कहा भाई तू चलो कोई बात नहीं, तू तेरा काम क्या, मैं चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, रास्ते में जाने आने वाले को लूटता हूँ, ठीक है सर ये काम क्या, तो ये काम करता तू क्या कारण, ये चोरी डकैती राहगीरों को लूटना करना ये काम करता क्यों, इसलिए कर तुम्हारे तो परिवार को नहीं गए, हमारे माँ बाप को नहीं, डबर चोर को नहीं,
या घर वाले को नहीं, उन्होंने हमारी पति खाने से दे, उनको घर में परिवार के सदस्य हैं उन सब का पोषण करने के लिए मैं चोरी करता हूं, डकैती करता हूं, राहगीरों को लूटता हूं, लोगों का धन हड़पता हूं। अब एक बात बता के दूसरे लोगों का धन हड़पना, चोरी करना, डकैती करना, ये छोको कौन है कि छोको पकड़ मन छोको करो कमर मन कोई ध्यान करो मन तुम। अरे भाई तू ये काम करता पाप तो है, कहाँ पाप है, अच्छा तो नहीं, तो अच्छा नहीं है तो ये कर कि ये जिनके लिए तू कर रहा है, माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चा, उनसे पूछा कि ये जो कर्म जो कर रहा है इस कर्म के अंदर आप लोग उनकी भागीदारी है या नहीं, पूछा कि नहीं पूछा तो नहीं, कि जा घर के घर पर पूछ किया, ध्यान देना वो घर पर जाता है। ये बाल भी जो पहले डाकू था बैंक का, घर जा करके घर के अंदर सबसे पहले माता और पिता मिलते, माँ पिता को कहते अरे पिताजी माताजी मैं जो चोरी करके अनिति करके ये जो लाता हूँ आप सबको जो भोजन देता हूँ इस कर्मों के अंदर आपकी भी भागीदारी है या नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि हमारी कोई भागीदारी नहीं है, तू हमारा बेटा है, हम तुम्हारे बाप हैं माँ बाप, तू कैसे पालन करता है, तेरा कर्म तेरे पास, हम उसमें कोई। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं अपन चलते हैं पत्नी के पास घरवाली के पास, तो घरवाली ने भी वहां तो मना कर दिया कि इसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं। मन में सोचा चलो घरवाली है आखिर गणी है तो धर्म पत्नी है, पर तो है तो पराई जाए कि तो ये है देखो जी, चलो बेटों ने पूछो, बेटों के पास में तो बेटों ने भी सपा मारा, मैंने घर के सारे मेहमान ने मना कर दिया कि हे आप कैसे कमाते हैं कैसे लाते हमको उसे कोई मतलब नहीं, आपका कर्म आपको बोलना पड़ेगा, आपके कर्म आपको ही बोलना पड़ेगा, ध्यान देना। वहां पर वापस वाल्मीकि आते नारद के पास में और आकर के तुरंत पांव में पड़ते हैं, और इतने पापी थे जिनके मुख से राम शब्द नहीं निकल रहा था, आकर के नारद जी महाराज के चरणों में पड़ गए, महाराज मरा, क्योंकि सब उन कर्मों के अंदर भागीदारी के लिए मना कर दिया, जबकि वहां पर वाल्मीकि को था कि मैं जो भी चोरी करता हूँ डकैती करता हूँ राहगीर को लूटता हूँ इसमें सभी का हिस्सा था, क्योंकि वो एकलो तो कोई खाओ को निजान है परिवार में देवे परिवार वाला है खाका ने डेट का रहने लगता है मुझे मत रह जाए अब ये कहें मानना करती हूँ अब मैं वो जा तो जा कर जन उसने आकर के नारद जी महाराज माँ पकड़ लिया महाराज मरा अब मेरा उद्धार कैसे होगा अब मेरा कल्याण कैसे, तो नारद ध्यान देना वाल्मीकि इतना महापापी था जिनके मुख से राम शब्द ने वो नारद जी महाराज की शरण ली आश्रय लिया और वो मरा शब्द वापस उल्टा हो गया और राम राम और उसने वाल्मीकि ने उसने ऐसी भजन किया तब किया कि वो ऋषि बन गए भगवान राम के अवतार से पहले भगवान अवतरित होंगे और क्या क्या लीला करेंगे सारा प्रसंग उन्होंने लिख दिया। तो बहने ध्यान देना ज्ञान के अंदर वो ताकत है, भगवान कृष्ण यहां पर कहते हैं हे अर्जुन यदि तुम पाप करने वाले सब पापों से अधिक अपने आप को यदि तू पापी मानता है पापी समझता है तो भी हे अर्जुन ये ज्ञान की नौका कितना है सर्वम ज्ञान पर देव वर्णिनम संत इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तो समस्त पापों पाप रूपी समुद्र को हे अर्जुन तो अच्छी तरह से तीर जाएगा तो अच्छी तरह से इस पाप से पार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं
तो ज्ञान पाप को किस प्रकार नष्ट कर देता है? ध्यान देना, पाप को ज्ञान कैसे किस प्रकार नष्ट कर देते, उसको कहते हैं यथा यथा दासिसम दो अग्नि भस्म सात्कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात्कुरुते तथा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन यथा इंद्रासी समुदो अग्नि भस्म सात्कुरुते अर्जुन, हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि, जो अग्नि एकदम धुतक्रिय है, जैसे प्रज्वलित अग्नि वहां सभी प्रकार के ईंधन को लकड़ी को जला करके राख कर देती है, भस्मीभूत कर देती है, वैसे ही ज्ञान ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को जला करके नाश कर देती है। यथा समर्दो अग्नि, जैसे प्रज्वलित अग्नि है और वो प्रज्वलित अग्नि जैसे लकड़ी को जला करके सारा राख कर देती है, इसी तरह से भस्म सात होते अर्जुन जैसे भस्मीभूत कर देती है लकड़ी को अग्नि, इसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि जीव के सारे कर्मों को, ध्यान सब कर्मों को सर्वे कर्माणि सारे कर्मों को जला करके हे अर्जुन उनको भस्मीभूत कर। एक बात समझना, ज्ञान अब इन कर्मों को कैसे भस्मीभूत करते हैं? कोई दान होता ना, कोई दान देवे इन आपको हेक लो तब माते तो कोई वो दान उग सके, जैसे मक्की मक्की रा फूलिया कर दिया, हम उन फूलियों लेके खेत में भाव तो कोई वो अंकुरित रह सके। मक्का चना है, जो चना है चने को हमने सेक लिया, भूंगड़ा बनाते, अब उस चने को जो भुना हुआ चना है उनको बोएंगे तो क्या वो उग सकता है? इसी तरह से मैंने ज्ञान अग्नि के अंदर ये सारे कर्म जल करके भस्म हो जाएंगे और वो कर्म वापस उस जीव को आगे गति का कारण नहीं बने, भुने हुए चने की तरह यथा इंद्रासी। इसी तरह से बताया कि जैसे प्रज्वलित अग्नि के अंदर लकड़ी जल करके राख हो जाती है, आग लगी और उस आग के अंदर बड़ी भयंकर आग, तो उस टाइम में ही हुक्का लकड़ी देकर कोई आला नहीं, अग्नि सब को जला करके राख हो जाता। इंद्रासी समर्दो अग्नि भस्म सात, जैसे प्रज्वलित अग्नि के अंदर चाहे लकड़ी आली है न चाहे गीली है हुक्की है, चाहे कैसी भी लकड़ी क्यों नहीं हो सब जल करके वहां राख हो, इसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि के अंदर जीव के सारे कर्म जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं, वो कर्म उस जीव को वापस आगे जन्म निमित्त नहीं देते। मैंने ध्यान देना भाई, जैसे भुने हुए चने, भुने हुए चने कभी भी अंकुरित नहीं होते, इसी तरह से यथार्थ ज्ञान कर्म सब निर्बीज हो जाते हैं, कर्म क्या हो जाते हैं वो निर्बीज हो जाते हैं, वो कर्म वापस आगे जीव के जन्म के हेतु नहीं। ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया कि पारुद कर्म कैसे जलते हैं, पारुद कर्म जो है मूझ की रस्सी की तरह, और संचित कर्म जो जन जन्मांतर पड़िया कर्म वे, और इन शरीर जो हमें कर्म ले लिया वे सब कर्म जल करके राख हो जाते हैं, वो ज्ञान अग्नि के अंदर उस जीव के आगे कोई जन्म के निमित्त नहीं बनते, और पारत कर्म है वो मूझ की रस्सी, इसलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कहा कि वो भुने हुए चने की तरह वो कर्म अब यहाँ पर उनको जन्म के कोई हेतु नहीं। ज्ञान का इतना ही प्रभाव नहीं है, ध्यान देना, मैंने ज्ञान का इतना ही प्रभाव नहीं और है, नहीं ज्ञानेन सदेशं पवित्रम यह विद्यते तस्वयं योगसं सिद्धा कालिन आत्मनि विन्दति। मैंने ध्यान देना, भगवान कृष्ण यहाँ पर साफ कह रहे भाइयों, नहीं ज्ञानेन सदेशं पवित्रम यह विद्यते, अरे ज्ञान के समान इस जगत में कोई पवित्र करने वाला कोई नहीं,
ज्ञान से बढ़कर और कोई यहां पर पवित्र करने वाला नहीं। दूसरे सब केवल एक सीमा तक सा ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला कोई। कर्म योग या समाधि योग द्वारा बहुत सारे काल में भली भांति शुद्ध अंतकरण हुआ, वैसी योग्यता को प्राप्त हुआ मुमुक्षु स्वयं अपने आत्मा में ही स्थित होकर के ज्ञान को पाता है, वो साक्षात्कार करता है। तस्य तत स्वयं योग संसिद्ध काले आत्मनिर्गत इस संसार में ज्ञान के समान को पवित्र करने वाला कोई नहीं, निस्संदेह। और उस ज्ञान को कितने कितने लोग काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतकरण होकर के मनुष्य अपने आप भी आत्मा में पा लेता है। ध्यान देना, जो निष्काम कर्म योग है, चाहे जप तप है, चाहे दान पुण्य है, दान पुण्य तो बहुत पहले रहते हैं, दान पुण्य किनका करेंगे, वस्तु का ही तो करेंगे। तो जो भी आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं किसी भी वस्तु का को भी, तो वो दान पुण्य से क्या होगा, हृदय के अंदर शुद्धता है, पवित्रता है। और जब हृदय के अंदर शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, निर्मलता आएगी, और वही हृदय की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता आपको ईश्वर प्राप्ति का साधन करेगा, ईश्वर प्राप्ति का यत्न करेगा। और वो क्या यत्न है, भगवान की पूजा है, उनका जप ध्यान है, उनका कीर्तन है, उनकी कथा श्रवण करना है। ध्यान देना, हम एक तरफ तो भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, जप तप भी कर रहे हैं, सब साधन अपना रहे हैं, और दूसरी तरफ से अपना अंदर जो तामस बना है वो जान ही रहा है। तो व्यक्ति को ये जो तीन गुण है, तामसिक गुण, रजोगुण और सत्व, तो व्यक्ति को धीरे धीरे तमोगुण से उत्पन्न होना है। तमोगुण का मतलब है आलस, रजोगुण का मतलब होता है आलस, परमान, ओजो, जो मात्र ही मुकर बैठ है, तुम्हारे तो मैंने बना हिम्मत कोई हारे, हिम्मत मत हार, आलस मत कर, परमाद मत कर, इतो ओजो मत कर, थोड़ा चेतन रहे तो जागृत है। व्यक्ति को उसको तमोगुण से उनको रजोगुण में उठा, कि देखो इंतर करी है तो थे यूं मिली, इंतर करी तो थारे यूं रही, ऐसो करी तो थारे वो बढ़ गई, उन व्यक्ति को वहां पर थोड़ा लोभ बता, उनको मोटिवेट करते, उनको अपन भाषा में कहते हैं, उनको कुछ फल बता कर, लोभ बता करके, फल की भावना बता करके उसको थोड़ी उसमें रजोगुण लाते, राशि भाव उठाते, राशि भाव। और जब वो राशि भाव बड़ा कर्मठ हो जाता है, एकदम कर्मठ, तब उनको कहते भाई ये जो कुछ भी कर रहा ना, इसको तो निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से, लोग लालसा तृष्णा ऐसा मेट। उनको जब, और जब उनको वो सत्व गुण आता है, उनको कहते हैं हाँ, इनका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं छोड़, कर्म छोड़ नहीं, कर्म कर, कार्य कर, पर तो कर्म के अंदर कर्म का फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके तो लालसा निस्वार्थ भाव से। जब और उसके अंदर वो सत्वगुण से ऊपर उठ करके, उनके अंदर रजोगुण से ऊपर उठ करके वो सत्वगुण में आएगा, सात्विक भाव। और जब सात्विक भाव में आएगा तो जब हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, और शुद्ध पवित्र निर्मल हृदय के अंदर ज्ञान को पाने की जिज्ञासा, ज्ञान को पाने के उनके अंदर जिज्ञासा होगी, ज्ञान को पाने की जिज्ञासा, ज्ञान उसी को यहां पर भगवान कृष्ण ने बताया, नहीं ज्ञाने में सदिशम पवित्रम यह विद्यते। अरे संसार में ज्ञान से बढ़कर के कोई पवित्र करने वाला कुछ नहीं,
ज्ञान ही सबसे पवित्र है। उस ज्ञान को जो वही बताया कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा जो शुद्ध हुआ तक मनुष्य वो अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तत स्वयं योग समसित कालीन आत्मनि बहुत काल से कितने ही काल से जो करने योग्य जो कर्म है कार्य है अपने वन आश्रम के अनुसार देखो सब प्रक्रिया वापस आएंगे। बार बार रिपीट हो रही है जो बातें हमने सब आपको चर्चा करते आ रहे हैं। चौमा सुख कर चालू ये तो मैं तो भूल गया था भाई 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 आज तारीख भाई है बारह बारह है बारे बारे कितने दिन गया 21 डे इक्कीस दिन दिया है तो 21 दिन जो दिन दिया है मैंने ध्यान दिया ये जो चाहते 21 दिन से जो बात चल फिर कर की बात वहीं पर आ रही है इस बात को समझने की कोशिश करें। तत स्वयं योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विदत इन ज्ञान को कितने काल से कर्म के हम वही बात वापस इस गीता के अंदर आ रहे हैं कि अपने वन आश्रम के अनुसार जो कर रहे हैं जो हम पारों से करते आ रहे ध्यान देना कोई एक जन्म से भी नहीं है उन जन्म का ही कोई स्वाद लेना देना पूर्व जन्म से भी जो इसने कहा कालेन तत्त स्वयं योग संसिद्ध कालेन वो काल से पूर्व काल से उस निस्वार्थ भाव से जो हम योग साधना करते हैं अपने करने योग्य जो कार्य करता है उनसे क्या हुआ योग समसिद्ध है। योग समसिद्ध माने अंतकरण के अंदर शुद्धता है पवित्रता है निर्मलता है और उसी अंतकरण की शुद्धता पवित्रता के कारण हम आत्मनि तत्व स्वयं आत्मनि विद्यते हम अपने आत्मा के अंदर ही उस तत्व को देखा हमने उनको जाना। पानी के पिंडे के अंदर पानी के पिंडे के अंदर अमूल की हीरा पड़ा है पर तो पानी के ऊपर काई आई हुई पानी के मात्र काई आई हुई है काई आई हुई लील आई हुई हमको केवल लील हटाना वो आत्मा वो चेतन तत्व हमारे आत्मा के अंदर ही है पर तो आत्मा के अंदर होते हुए भी हम उनको नहीं जान पाते क्योंकि वहां पर कामना रूपी काई छाई हुई इच्छा रूपी तरंगे लहरा रहे जो संसार की वस्तु की जो कामना थी नहीं इच्छा है ये इच्छा रूपी तरंगे लहरा रहे इस कारण वो वस्तु दिख नहीं रही और जब उसको हमने कामना हटी जब कामना को मेट दिया तो वहां पर उस तत्व का दर्शन हो जाता है। ध्यान रखना इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा तत स्वयं आत्मनि विन्दति अपनी आत्मा के अंदर ही देखेंगे दूसरे की आत्मा में नहीं। ध्यान देना तत स्वयं अपनी आत्मा में आपको देख रहा है अपनी आत्मा में हम उस तत्व को जानेंगे कहीं और दूसरे कहीं लोग जाकर के नहीं। अरे गीता वो ज्ञान है ताया हुआ की है आप इसको समझे। अब इस बात को ध्यान दे ये कौन जो मुमुक्षु व्यक्ति मुमुक्षु स्वयं अपनी आत्मा में ज्ञान को पाता है साक्षात्कार करता है और इसके बाद में अब ये ज्ञान को पाता कौन है किसके द्वारा निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका उपाय क्या है। अब ध्यान दीजिए भाई वेर तो ने उपाय बता दिया कि किस उपाय से ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहित इंद्रियां
ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधि गच्छति। बहुत सुंदर भगवान कृष्ण का श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जिसके मन के अंदर श्रद्धा है, श्रद्धालु मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त करता है। सीधी श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञान, तत्पर से इंद्रिया। श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति श्रद्धावान जो है, जितेंद्रिय है, साधन प्रण है, श्रद्धावान मनुष्य वो ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर के बिना विलंब तत्काल भगवत प्राप्ति की शांति, परम शांति को प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेणाधि गच्छति। अरे ज्ञान को प्राप्त तुरंत तत्काल परम शांति, जो शांति कभी मृत्यु नहीं, चिर स्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है। ध्यान देना, यहां पर तीन बात होता है, श्रद्धावान, सहित इंद्रिय। यहां पर जिसने अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह से जीत लिया, सहित इंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह से वश में करता है, मन बुद्धि इंद्रियों के, और साधन प्रयाण। ध्यान देना, जो सहित इंद्रिय तत्पर, तत्पर का मतलब है साधन प्रयाण, तत्पर का अर्थ है साधन प्रयाण, जो उनकी भगवत प्राप्ति के जो साधन है, उन साधन के अंदर जो लगा हुआ है, डटा हुआ है, भगवान की कथा सुनना, भगवत प्राप्ति के जो शास्त्र है उनको सुनना, उनको पढ़ना, जप करना, ये सब साधनों के अंदर जो निरंतर लगा हुआ तत्पर है, बड़ा तत्पर है, जो ढीला डाला नहीं, अच्छी तरह से कमर कसा हुआ, रति मात्र आलस नहीं है परमात्मा तत्पर, और सहित इंद्रिय, और अपने इंद्रियों को, मन बुद्धि इंद्रियों को भी अच्छी तरह से वश में कर रखा है, और तीसरा है जीते अश्रद्धावान, साथ में श्रद्धा दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो अच्छी तरह से अपने इंद्रियों को वश में करके साधन प्राण और श्रद्धावान व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति लभते ज्ञानम, वो ज्ञान को प्राप्त करता है, वो तत्व का ज्ञान है। कोई ऐसे ज्ञान नहीं, ज्ञान को पाने के लिए पात्रता थे, अपने अंदर योग्यता लाने, सामर्थ्य, और ज्ञानम लब्धा, और जो ज्ञान हुआ, आत्म तत्व का ज्ञान होते, ज्ञान होते ही तत्क्षण, वहां पर देर नहीं होती है, इधर दीपक जला न बच्चे, कोई आधा घंटा बच्चे उन्हें कमरा में अंधकार लड़ो, कोई जगह है अंधकार है, दीपक जलाया और उसी समय अंधकार का नाश, प्रकाश होते ही अंधकार का नाश होता है। तब इसलिए यहां पर कहा ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेणाधि गच्छति, ज्ञान को प्राप्त होकर के बिना विलंब तत्सं भगवत प्राप्ति परम शांति मिल जाती है। परम शांति जो आनंद है, परमानंद है। एक बात सुनो, जो वे दस मित्र थे, दोस्त दस आदमी था, वे घूमने किया, बीच में रास्ता में नदी आएगी, पानी बह तो जोर नदी बहती थी, जोर पानी घेरो तो क्यों भाई नदी पार करने को, कैसे जाना भाई, हाथ पकड़ पड़ा ने पार लिया, और पार रे नदी पार गयो, पचाई ये भरम रे गो, उन्होंने भरम रे गो कि अपनों कोई बह तो नहीं गियो, कि पानी घेरो तो भावी बड़ो तेज तो पगी थमता को नहीं होता, ठीक है हाथ पकड़ो तो एक दूसरा साथ मिलो तो इन पार गया, पर तो कोई बह, कोई इन डूब तो नहीं गियो, कोई नदी में गलाटक तो नहीं खा लो, धन क्यों भाई कि गिनती करो तो गिनती तो करे, पर गिनती पूरी आवे को वे उठे, एक दो तीन चार पाँच छः आठ आठ नौ, अपने आप में गिनी को आगे, आप अपने आप को छोड़ करके वो गिनते तो नौ ही आते, वो कहे धन गिनती को नहीं आवे, तो बराबर उठे पढ़ियों को नहीं गए, स्कूल रही अपन क्लास रूम और खिड़कियों कूदने बाहर निकले,
और मैं गिनती करूँ दूजों लोग गिने एक दो तीन चार पाँच छः आठ आठ नौ वो भी अपना अपना ही गिने और ऊपर सेंटर में कूदो वो ये गाँव तो फिर क्यों कूदो तो फिर सेंटर में कूदने के बारे में कूदो क्लास रूम तो हम हैं उठे गिने पर तो दृष्टि जाना अपने आप को बनते नहीं और अपन से अलग है तो उन्हें गिनती करे तो नौ भी जाओ क्योंकि हैं गिनती करने था संख्या नौ जावे तो उन्होंने होद पड़ गई हो तो अपन कोई ना कोई नदी में गराटा खा गयो नदी में बह गयो और सब चिंता में पड़ गए रोने लगा चिंता में बैठ गए घूमने नदी पार करी मन में एक जन देखो कितना जना आया दस जना मारा दस जना बेटा ने मैं दस जना था अरे भाई जे दस जना है प्रति बात के गिनती करी कि हाँ गिनती करी हमें उठे वे गिनती करे तो एक जन करने बताए तो अपने आप में कोई मरा जन्म दिया इन्होंने भरम ले गए ये अपने आप को काउंटिंग में नहीं ले रहे गिनती में नहीं ले रहे तब उठे महाराज पहले जो ना खबर थी कि दस जन है वे कहते मन दस मौत दस सौ आदमी को जन उठे महाराज ले पर उन्होंने उन्होंने चप्पल काट लिया जूतो काड़ा पाँव और उठे एक रखी बोल एक क्या बाब जी एक बहुत दो इन तरह ने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और जो दस तो क्या उन्हें जोर मिली माता ने बोले भाई बहुत दस सौ के बाद दस सौ दस सौ नहीं जुड़े तो हर व्यक्ति क्या था दस बार हर व्यक्ति दस बार और जो उनको जो पहले उनको ज्ञान था हर आदमी दस बार है हर व्यक्ति दसवा व्यक्ति था परंतु उनको बोध नहीं भरम देखो और उस भरम का कारण जो उन्होंने चिंता थी वो जो शोक था जो ही उन्होंने महात्मा ने उसको ध्यान कराया तो सब वो अपने आप को जानने लगे दसो अस्मि दसो अहम् तो ज्ञान होते ही जो उनकी चिंता थी शोक था वो सब तो इन्हीं लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान होते ज्ञानम लब्धा पराम शांति अरे ज्ञान होते ही व्यक्ति का सब प्रकार का शांति प्राप्त हो जाती है अचिरानंदी गच्छति पराम शांति परा शब्द का क्या है परम शब्द परा शांति है और जोर से बोल बेटा जोर से बोलो अरे सब लोग सुने कोई संकोच मत अरे कहां परा परा जाता है परा यहां पर सीधा अर्थ पकड़ो ये प्रकरण हुई मैं एक एक शब्द का अर्थ ला रहा हूं परा मतलब चीर स्थायी सुख शांति जो सभी देश में सभी काल में सभी वस्तु में विराजमान है देश काल वस्तु अपरिचिन्न पर सत्य हर शब्द का थोड़ा सा और वो थे उनमें टिप्पणी मतलब क्या हम आपको अलग जाएंगे पराम शांति चीर स्थायी सुख शांति जो शांति सब देश में सब काल में सब वस्तु हर समय रहती है चीर स्थायी सुख शांति को प्राप्त होता है व्यक्ति और वो ज्ञान कैसे यथार्थ ज्ञान शास्त्र के आधार पर ज्ञान शास्त्र प्रक्रिया से इसलिए कहा गया सम्यक दर्शनात् शीघ्रं मोक्षो भवति इति माने सम्यक दर्शन से शीघ्र मोक्ष को प्राप्त होता है कैसे सर्व शास्त्र न्याय पद्धति सुनिश्चित अर्थ शास्त्र के आधार पर न्याय पद्धति से जो अर्थ निश्चित होता है शास्त्र कथा पर कि मनमाने ढंग से नहीं कई बार ऐसा पल्ला पड़ जाता है लोगों का
अपने आप को बड़े बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, और शास्त्र का ज्ञान कुछ है नहीं, शास्त्र का बोध है नहीं। परंतु इसलिए यहां पर कहा कि शास्त्र के आधार पर आगे बताया कि इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं इस विषय में संशय नहीं करें। अज्ञश्च असद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। ध्यान देना बहने, भगवान कृष्ण कहते हैं अज्ञश्च असद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित अयोग्य पुरुष को परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, उसको ज्ञान नहीं होता, वो अपने कल्याण से गिर जाता है। अज्ञश्च, अज्ञ माने अज्ञानी, मूर्ख, ना समझ। दूसरा है अश्रद्धांश, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, श्रद्धाहीन व्यक्ति उनको क्या है। और संशय आत्मा तीसरा बताया संशय है, जिनके मन के अंदर संशयशील होता है, बात बात पर जो प्रेम प्रेम करे, बेमिला करे, शंकालु व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी यहां पर सुख नहीं पा सकता, वो कभी आनंद नहीं पा सकता, उसका विनाश होता है। विनश्यति उनका भगवान कृष्ण कहते विनश्यति। अज्ञश्च अश्रद्धाश्च अश्रद्धानश्च और संशय आत्मा, तीन तीन लक्षण बताए। तीन लोग उन्हें हमेशा नाशी है, उनका विनाश है। विनश्यति कौन? एक तो अज्ञानी व्यक्ति, दूसरा है जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, समर्पण नहीं, वो लोग दुखी होते हैं। और तीसरा है संशयशील, जो बात बात पर जो शंका हुए है, बेमिलो व्यक्ति है, संशय। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा नायम लोको अस्ति न पर, ये तीनों लोग नहीं तो इस लोक में सुखी रह सके और नहीं परलोक में सुख है। नायम लोको अस्ति न परो, परो मतलब परलोक में, स्वर्ग आदि वहां पर भी न सुखम, उनको सुख नहीं। कौन? संशय आत्मा, जो संशय से व्यक्ति। अब ध्यान दीजिए फिर, अज्ञानी व्यक्ति तो बेरी अज्ञान दूर रह जाए तो और रह जाए, चलो भैया अपन ना समझती, अज्ञानी व्यक्ति तो बेरी ठीक है। और जिनमें श्रद्धा नहीं है और श्रद्धा, तो उनमें धीरे 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 विश्वास उत्पन्न कर ही जा सके, उनमें धीरे धीरे विश्वास बीज उत्पन्न रहे तो कीकर बाहर काटना होगा। इन वास्ते भगवान कह दियो ना यम लोको अस्ति न पर सुकम न संशय। संकल्प व्यक्ति नहीं तो अट्टे हो रहे और नहीं उठे परलोक में सुखी रहे। संकल्प व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। एक बात याद है ना, आप एक भाई तो जो कोई रात का कह रही हो गए दाल बाटिया घर बन गया, दाल बाटिया जो खा लिया घना, दाल बाटिया खा लिया घना, मैं खाया तो इतना तो मैं उठने बैठो कौन देंगे बेटे बैठो बोटी गलत का खा लो भूगी वो तो चादर उड़े क्यों मैं घनारा बाटा खाया उठी जब न बाटा खाए उड़े रात रात फूली जाए हम पानी मांगे रात रात मांगे पानी पानी पड़ी हो तो माँ तो कोई ढक्कन बीजो थो लोटो बीजो कोई जग बीजो मग भरियोड़ो अब उठ नहीं हरदा तो है कौन नहीं कि बाटिया खा के घना वो पानी पी लो तो पानी पी लो तो कोई टाको खूब बीजो क्यों रही तो हमें बाटिया पर था आधा काचा ना का पाका हम उन्हें पेट दुखना है क्यों खोएगी पेट दुखना अब उन्हें बेम बढ़ गयो मारो पेट दुखी है पर वो पानी देखियो कि पानी में जी जी नोर पड़िया था चौमासार दिन था उगड़ो पड़िए तो पानी जो उन्हें बेम बढ़ गयो कि मारे पेट में छिपकली गई
अमावस्या पकली मार दो दुख दे, वो डॉक्टर का नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब कहो हमारे पेट में चिपकली बढ़ गई है, हमारे पेट दुखे, इन्हें बारह काट। डॉक्टर हैं देखने के भाई थारे पेट में की कोई कोई चिपकली कोई, वो तो भाई है तो दुनिया भरो खा लियो, उन्हों पेट दुखे। एक डॉक्टर ने लियो तो दूसरा डॉक्टर का नहीं लियो, उन्हें बता तो वही चेक करने थोड़ी बहुत कोई दवाई भी दी, कोई ठीक रहे को। चटोकड़ा व्यक्ति रहता ही हाल में जीबरू चटोकड़ो हैं, डॉक्टर का नहीं उन्हें पेट ठीक नहीं रहे, वो हैं डॉक्टर ने फैल कर दिया कि हैं डॉक्टर कोई इनर तो इलाज सही को उनको सबको फैल गया। पचे गौर मान कोई एक डॉक्टर आयो नहीं हो नए नए कोई डॉक्टर आप तो आप एक प्रैक्टिस जो मन वास्ते तो उन भाई साहब वो हगली फापा मारे तो पेट दुखे पेट दुखे पेट दुखे। तो उन्हें क्या अरे कि अपन गाँव में एक नया डॉक्टर आया तार पेट घणो दुखे तो क्या क्या कोई इलाज नहीं करे तो जाओ थे तो वो भी हो। डॉक्टर साहब जा तो ही दो क्यों डॉक्टर साहब हमारे पेट में चिपकली है हमारा पेट दुखे, मैं इतना इतना डॉक्टर को नहीं हमारे गयो रहो हैं डॉक्टर फैल रहेगा मैं कोई मारे पेट में चिपकली बाहर निकाली। हाँ मैं थोड़ा ना उन्हें कहते नया नया डॉक्टर आया हो मैं थोड़ा इलाज हमारी लागू रही हो तो मैं थोड़ा कन आया हूँ, दूसरा हैं डॉक्टर मारे फैल रहेगा सब कोई कमरा बोल डॉक्टर ने सब चेक में जो करने देखी हो देख पर देख की हो रेखे इन्हें वास्ते पेट में तो की है कोनी, ने मैं भी कह दूँ कि थारे पेट में चिपकली कोनी तो मने भी हो तो रिजेक्ट कर दी, दूसरा मैंने जो रिजेक्ट करिए जो मने हो तो फेल कर दी, इन्हें लिए तो मैं फैल ही दूँ। डॉक्टर के भाई चिपकली तो डेढ़ की रेजेंट रह गई मोटे कितना दिन, अरे डॉक्टर साहब 15 दिन रह गया मैंने 15 दिनों आज चिपकली पेट में, क्यों जानी तो आप पेट में थार फुली जी ने मोटी रह गई मोटी रह गई क्या। हाँ डॉक्टर साहब थे जो डॉक्टर साहब की जो हमारी बीमारी रही नब्ज पकड़ी ठीक है। देख भाई अरे चिपकली बारे तो काट तो गुना पर तो रुपया लागे ना मैं 15 दिन रहता तो फीस 4 गुना लाख जो 500 रुपया लेता हूँ मैं था मैं तो ही दे 2100 रुपया कहते नहीं 2100 नहीं भले 5000 लीजिए, हाँ 5000 हुआ लीजिए मारी आप बेमरी चिपकली बारे काट हूँ जो हाँ बेमरी चिपकली पेट में आप बारे पर काट दिया बेमिला व्यक्ति ने कोई सुखी रहे खुद ही सुखी को नहीं दूजा नहीं कोई सुखी रहे तो क्या भाई देख छिपकली बाहर निकले ना पर तो तरीको मारो कौन मार तो तारा तरीको नहीं आ जाना ना पैसा भी हाँ पर तो इतना उधार निकले थे मैंने 2100 नहीं 5100 पर तो मार तो पेट में छिपकली जो बाहर काटो ठीक है पर ले भाई थारे यूँ है कि आज चिपकली जो है इन्हें दवाई देनी पड़ी मने वह दवाई तू देख नहीं सके हो क्यों इन वास्ते थोड़ा आँख कर माता पट्टी बांधनी पड़ी गई कि महाराज थोड़ा पट्टी बांधने तो बंद हो डॉक्टर साहब मारे चिपकली के बाहर काट दो बाहर डॉक्टर जी को लाओ कपड़ो ना आँख कर माता रुई रखी कि फिर कभी देख नहीं जाए माता रुई रख न पट्टी बांधी पूरी कस ने बांध न पची टप टपरे माने पानी डाल दिया ने वह पीड़ी लाल रहे दवाई वो पानी कर दियो लाल पीलो दवा कर पर ने एक उठी चिपकली थी ठोकी उन्हें जाटी देख लाई टप में नौकी ने उन्हें बचे वो पानी थो थोड़ा सौ मिनटों को यारों कर पर उन्हें पायो खूब सारो पानी बहुत सारो पानी पायो पेट भर ने बचे पानी पाई ने कहो कि मैं उल्टी कर तो उनमें मुंडा में उंगली डाल वो है ना पानी बाहर काट दिया किन टप में जो चिपकली पहली जिन टप में डाल दे वो बाहर काट न पच्चे क्यों कर डाले देख सारी आप पूरी चिपकली बाहर निकल दे इतनी मोटी डेढ़ का रह जाए उन्हें तुरंत पट्टी खोली न पट्टी खोलने बताई देख जन वाक्य के हाँ हाँ डॉक्टर साहब थे एक अड़ा हो हमारे चिपकली तो केवल मतलब कोई चिपकली पेट में थी कोई उन्हें केवल भरम तो उन्हें भ्रम तो सबसे वेशील व्यक्ति रहे क्या है वे इस तरह परेशानी में दिया संशयशील व्यक्ति नायम लोको अस्ति ना परो ना सुकम संशय आत्मा
संशयशील व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, नहीं तो अटे सुखी रहे में और नहीं वो परलोक में भी सुखी रहता है। ध्यान, जिनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, संशयशील व्यक्ति का नाश ही होता है, उनका कोई उद्धार नहीं होता है। इस अध्याय को समाप्त करते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संसिन्न संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया, जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशय को नाश कर दिया, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाला पुरुष कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। योग संन्यस्त कर्म ज्ञान संशय संशय, जिनके ज्ञान के द्वारा सारा संशय नष्ट हो गया। मैंने ध्यान देना, बड़े सुंदर पॉइंट है कि ज्ञान के द्वारा जिनके सारे संशय नष्ट हो गए और कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दो। योग संन्यस्त कर्माण, जो भी अपना कर्म है, जो भी कार्य है, वो सभी कर्म परमात्मा को अर्पण करते हुए करता है। हे अर्जुन, आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने विवेक के द्वारा संशय का नाश कर दिया, वो वश में किए हुए अंतकरण वाला आत्मवंतम न कर, जिसने अपनी अंतकरण को मन बुद्धि इंद्रियों को चित्र से वश में कर दिया, हे अर्जुन, पुरुष को कभी कर्म बंधन नहीं बांधते। न कर्माणि निबधन्ति धनंजय, उस व्यक्ति को कर्म कभी बंधन में नहीं डालते। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, पूरा प्रसंग बता करके, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञान आत्मना आत्मना चित्वेन संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्मात् ज्ञान देना, इस अध्याय को समाप्त करते हुए भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक के द्वारा नष्ट। तस्मात् अज्ञान संभूतम हस्तम ज्ञान आत्मा, तो हृदय में स्थित जो अज्ञान है, इस अज्ञान से अज्ञान देने इनको सारे संशय है, अज्ञान से उत्पन्न संशय ज्ञान देना। किसी व्यक्ति के बारे में कोई संशय पैदा करे तो किसके कारण? ज्ञान नहीं होने के कारण। तो ज्ञान नहीं होने से व्यक्ति में जो संशय पैदा हो, तो भगवान किसी को कहा, अज्ञान संभूतम हस्तम ज्ञान आत्मा। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न जो संशय है, अज्ञान जने तो उस संशय को विवेक रूपी ज्ञान से, विवेक रूपी तलवार से तो उसको छेदन कर, छेत्वेनम संशयम योगम आते ज्ञान सिद्धांत, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा उस अपने संशय को तो छेदन कर और समत्व रूपी कर्म योग में स्थित हो। हे अर्जुन, योगम आतिष्ठ मने समत्व रूपी योग, जीवन के अंदर जितने भी कोई उतार चढ़ाव आवे, सुख दुख लाभ हानि देव पराजय सब के अंदर एक सम रहिए, उसको कहते समत्व योग। उस समत्व योग में योगम आतिष्ठ, उस योग में तो स्थिर करके हे अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो, उत्तिष्ठ भार, उत्तिष्ठ माने खड़ा हो। भगवान कृष्ण यहां पर अर्जुन को युद्ध करने की, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, उनके सामने धर्म से ओतप्रोत युद्ध उपस्थित है, इसलिए उनको यहां पर कहते हैं, अर्जुन तो युद्ध कर, उत्तिष्ठ ओत खड़ा हो और अपने करने योग्य कर्म को कर। तस्मात् इसलिए हे अर्जुन, ओठ
हृदय में स्थित तेरे जो अज्ञान के कारण जो संशय हैं, उस संशय को ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा तो चेतन कर, समत्व योग के अंदर तो स्थिर हो। हे अर्जुन, को युद्ध कर। इस तरह से कह करके इस अध्याय की समाप्ति यहां पर हुई। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नामक चतुर्थो अध्याय। ध्यान देना, ये गीता का चौथा अध्याय है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, ज्ञान और कर्म दोनों का संन्यास इसका नाम है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने ये चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ। इनके बाद में अपन यहाँ गीता के इस प्रसंग को संपूर्ण करते हैं। अब अपन शिव पुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। कुछ समय तक शिव पुराण लेकर के फिर अपन, आज श्रावण का सोमवार है, दीप जो यज्ञ है भगवान शिव के 1000 नामों से अपन पुष्प अर्चना के उस कार्य को भी संपन्न करेंगे। तो पहले अपन शिव पुराण को लेते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।